हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की खस्ता कचौरी की रेसिपी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए खस्ता कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तो कचौरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक डो तैयार करने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। साथ ही हमें चाहिए होंगे 1/4 कप तेल, ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून अजवाइन और साथ ही 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास पानी लिया है। तो चलिए सबसे पहले आटा गूंथ लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले नमक डाल देंगे, साथ में ये जो अजवाइन हमने लिए है इसे हाथों से क्रश करके डाल लें इस तरीके से। अब हम इसे अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। ध्यान रखिए जो आपने ऑयल लिया है उसका मेज़र एकदम सही होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, वरना आपकी कचौड़ी खस्ता नहीं बनेगी। और यहाँ पर मैंने जितने तेल बचे थे सबको डाल के इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको तेल उतना ही डालना है जब आपके जो डो है वो इस तरीके से आपके हाथों में आने लगे, एक मुट्ठी सी बनने लगे मैदों की, बस उतना ही तेल आपको डालना है, उससे ज़्यादा तेल आपको नहीं डालना है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और ऐड करके इसे नॉर्मल जैसे रोटियों के लिए हम डो बनाते हैं घर में, उसी तरीके का एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। जब आप इस डो को तैयार करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो डो है वो इस तरीके से सिर्फ आपको बाइंड करना है, इसे पूरे तरीके से नीड नहीं करना। इस तरीके से बाइंड करके आप इसे छोड़ दें और जब हम इसे रेस्ट करने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हमें इसे अच्छे से नीड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आटे को अच्छे तरीके से गूँथ लिया है। अब हम कचौड़ी के लिए बेसन की फिलिंग तैयार करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे अब मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, अब मैं इसमें तेल डालूँगी। और अब तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे और इसे हल्का चला लेंगे। और अब हम इसमें 1 टीस्पून साबुत धनिया डालेंगे, इसे भी डाल के अच्छे से रोस्ट कर लें। और यहाँ पे धनिया अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो अब हम इसमें 1 कटोरी बेसन डालेंगे और डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे हमें धीमी आंच पे ही कुक करना है, तेज़ आंच रहने से ये जल जाएगा। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि बेसन को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देंगे, डाल के इसे अच्छे से चला लें। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, इसे भी डाल के अच्छे से चला लें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सौंफ, इसे भी डाल के अच्छे से चला लें। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून नमक ले रही हूँ, इसे डाल दें। साथ ही मैं 1/2 टीस्पून चीनी ले रही हूँ, इससे थोड़ा तीखा और मीठा टेस्ट दोनों आता है, और इसे डाल के अच्छे से चला लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बेसन की फिलिंग थी ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बेसन की फिलिंग तैयार हो चुकी है और यहाँ पे हमने जो मैदा गूंथा था वो भी रेस्ट करते करते 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे हम थोड़ा नीट कर लेते हैं, इस तरीके से आप इसे नीट करते जाएँ।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो आटा लिया था उसे अच्छे तरीके से गूंथ लिया है, नीट कर लिया है। तो चलिए अब इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी लोइयाँ बना ली है। तो अब इस लोइयों को आप इस तरीके से बीच से प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद इसमें हम फिलिंग्स डालेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे एक कटोरी का शेप दे दिया है। तो अब जो हमने फिलिंग यहाँ तैयार की थी वो हम इसमें डाल देंगे, डाल के ऐसे ऐसे प्रेस कर दें इस तरीके से। ध्यान रखें ज़्यादा फिलिंग्स ना डालें, वरना ये अच्छे से लॉक नहीं होगी। और इस तरीके से आप लेयर्स बनाते हुए इसे बंद कर दें। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस बात का रखना है जब आप इसे बंद करें तो इसे ऊपर से अच्छे से लॉक कर दें। और जब ये एक बार अच्छे से लॉक हो जाए तो इसे इस तरीके से अपने हाथों से प्रेस करते हुए इसे थोड़ा फैला लें। इस तरीके की कचौड़ी बनाने के लिए आपको बेलन या चकले का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये बन के तैयार है। अब हम इसे तेल में डाल के डीप फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं इसकी थिकनेस। और इसी के साथ आप यहाँ देख सकते हैं हमने जितने भी लोइयाँ की थी सब में फिलिंग्स डाल के उसे इस तरीके का पेड़े का शेप दे दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। और अब तेल में आहिस्ता आहिस्ता इसे डालें। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी आँच है वो एकदम लो रहनी चाहिए, मीडियम या हाई नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो कचौरियाँ डाली थी वो अब ऊपर फ्लोट करने लगी है। और इसी तरीके से जब ये अच्छे से फूल जाए तभी आपको इसको टर्न करना है, तब तक आपको इसको छूना भी नहीं है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारी कचौरियाँ फूल गई है। तो हम इसे टर्न करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये नीचे से गोल्डन ब्राउन भी हो गई है। इसे इस तरीके से अब दूसरे साइड हम पकने देंगे। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसे निकाल के ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। और चलिए अब बढ़ते हैं इसकी सर्विंग की ओर। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारी फूली फूली खस्ता कचौड़ियाँ बनके तैयार है। इसे मैंने आलू की सब्ज़ी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो अपने पसंदीदा किसी भी चटनी या चाय के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरीके से हमारी सारी वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।